हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो है सुबह हुआ है और पूरी रात अच्छे से नींद नहीं आई क्योंकि बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अचानक से इतना कफ उसे कैसे हो गया पता नहीं। फिर इतनी रात को उनके पापा आकर नई वाली दवाई देकर गए हैं। एक रिलेटिव्स हैं हमारे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनको बोलकर, तो दवाई खाने के बाद 12 बजे के बाद बच्चे को अच्छे से नींद आई, तो तब फिर शायद 1-2 घंटे में सो पाई। फिर भोर से उठ जाना पड़ा और फिर डॉक्टर को आज लेकर जाएंगे शाम के टाइम पे। और अभी भी जो है सुबह, मतलब मम्मी हो गई हेलो, गुड मेरी, नहीं तो आफ्टरनून। चले तो जाते। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया, मेरे बेटे की तबीयत कल रात को बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनके पापा आए थे दवाई लेकर, वो खिलाकर जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। तो उसके बाद ये आफ्टरनून का टाइम था जब मैं डॉक्टर के पास जाने वाली थी। तो देखिए, मैं रेडी थी और मेरे बेबी से 1 महीने का छोटा ये भी बच्चा था जो मैं दिखा रही हूँ। और तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो ये बहुत छोटा बच्चा है, 3 महीने का है, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चे सहन नहीं कर सकते ना। खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी अचानक से। ये देखिए मेरे बेबी के एक्सप्रेशन, वो अजीब अजीब तरह के एक्सप्रेशंस बना रहा था। तो ये डॉक्टर के घर पे हम गए थे, देखिए वो चेम्बर से निकल पड़े थे, तो हम लोग घर पे ही जाते हैं। तो देखिए उसके एक्सप्रेशन। और इधर जो है महरी मैं और उनके पापा और मेरे बेबी, मतलब बात हम करो लोग। बात करो। इतना ज़्यादा भूख लगा था पर ये बिल्कुल भी रो नहीं रहा था। देखिए कितना ज़्यादा खेल रहा है। बेटू और बेबी को जो है देखकर डॉक्टर ही बहुत खुश हो गए थे कि इतना जॉली मूड का बेबी है। देखिए सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी था वो। ये रहे उनके डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे। मतलब जो दवाई दिया था ना इन्होंने, इंस्टेंट काम कर दिया। मतलब रात को खिलाने के बाद ही जो है खांसी बिल्कुल से थम गया। और देखिए महरीन खा रही है पॉपकॉर्न और हम लोग पिए चाय। ये रहा घर में, ये बच्चों देखिए फिर। और हम दीदी के वहाँ से डायरेक्ट घर चले गए थे डॉक्टर के पास से क्योंकि रात हो गया था बहुत ज़्यादा। दीदी के वहाँ से ही हम डॉक्टर के गए थे और इतना ज़्यादा दवाई बच्चे खा भी नहीं सकते। देखिए कितना मुश्किल है बच्चे को दवाई वगैरह खिलाना। इसीलिए बच्चे को सावधान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कि डॉक्टर को बार बार दिखाना। बच्चे जो है दवाई नहीं खाते। और ये रहा नाइट टाइम, देखिए रात को सोने के टाइम पे बेचारा वो अपना हाथ चूसते चूसते ही सो पड़ता है। बहुत ज़्यादा शांत है मेरा बेबी। ये गर्भ नहीं है, ये मतलब ओरिजिनली मैं बता रही हूँ, बहुत शांत है वो। ऐसे मुंह में हाथ चूसते चूसते ही वो बेचारा सो जाता है रात को। देखिए ये बेड पर नींद आंखों में भरी हुई। और बच्चे की जब जरा सी उसे राहत आई ना, तो मम्मी पापा भी, मतलब हम पेरेंट्स लोग भी जो है खुश हो जाते हैं जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना। कुछ भी, दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और बच्चे की मुस्कान तो सबको पता ही है, फूलों से भी खूबसूरत होते हैं। तो ये देखिए हम मच्छरदानी टंगा रहे थे तो तभी उसके मुंह में पड़ जाता है तो बच्चा खाना चाहता है। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो, प्लीज़ एंड तक देखना और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।